बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं सनाए सरकार ऑफिशियल चैनल। कुरान मजीद इरशाद फरमाता है आगे कि वस्ताइनु बिस्सबरी वस्सलात, सबर और नमाज से मदद मांगो। सबर का लुगवी माना होता है अपने आप को रोक लेना। मुश्किलात आए, मुसीबतें आए, आजमाइशें आए या नफ्स कोई ख्वाहिशात करे तो अपने आप को रोकना, यह सबर है। सबर सारे का सारा अंदर का मामला है। जो अपने आप को रोकने पे कादिर हो गया वो साबिर है, अपने आप को रोक ले। सबसे ज्यादा हमें नुकसान हमारी अपनी ख्वाहिशात देती है, हमारा अपने ऊपर ही काबू नहीं। सबर ये है कि इंसान अपने ऊपर कंट्रोल करे, अपने आप को रोके। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा था ना, पहलवान कौन है? तो या रसूलल्लाह, जो मैदान में उतरे और अपने दुश्मन को बिछाड़ दे। तो हुजूर ने फरमाया, नहीं, जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू कर ले वो पहलवान है, जो तहम्मुल का मुजाहरा कर जाए वो पहलवान है। सबर का माना होता है अपने आप पे कंट्रोल रखना, आपको कंट्रोल हासिल हो अपनी ख्वाहिशात पर भी, अपने जज्बात पर भी, अपने मामलात पर भी, आप उसको कंट्रोल कर सकें। यही तसव्वुफ है, यही तरीकत है, यही सूफिया सबक देते हैं। तो फरमाया वस्ताइनु बिस्सबरी वस्सलात, सबर और नमाज से मदद चाहो। एक सबर करो, दूसरा बंदगी करो, मुसल्ले पे बैठ जाओ। जो तुम्हारी मदद तुम्हारी इबादत करेगी ना, जो मुसल्ला तुम्हारी मदद करेगा वो कोई और नहीं कर सकता। मुसल्ले पे बैठो, नमाज से मदद चाहो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है कि अगर आंधी आई है तो हुजूर ने नमाज की नीयत बांध ली, बारिश नहीं होती तो नमाज की नीयत बांध ली, अगर सूरज चांद ग्रहण हो गया तो हुजूर ने नमाज की नीयत बांध ली। हत्ता के काफिर सारी रात सफ़े सीधी कराते रहते थे और रसूल पाक सारी रात मुसल्ला बिछा के नफल अदा फरमाते रहते। नमाज से मदद चाहे। इरशाद फरमाया कि वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशईन, सबर और नमाज से मदद मांगो, बेशक ये दोनों चीजें भारी हैं। काम दोनों मुश्किल है लेकिन डरने वालों पर मुश्किल नहीं। जो रब से डरते हैं उनके लिए मुश्किल है। अब मुझे इजाजत होनी चाहिए ना, ये कह लेना चाहिए ना कि कोई शख्स कहे मेरा नमाज में दिल नहीं लगता, तो मैं उसे कहूंगे तो रब से डरता ही नहीं, असल में तो डरता ही नहीं। अगर तू डरे तो लफ्ज ही ना अदा करे, अल्लाह ने बुलाया और तू आया ही नहीं। फरमाया ये वजन जरूर है इन दो चीजों का, लेकिन डरने वालों पर, ये डरने वाले कौन है? फरमाया अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, जो इस बात का यकीन रखते हैं कि हमने अपने रब से मुलाकात करनी है और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। जिस बंदे को यकीन हो ना, मैंने रब से मिलना है, मैंने उससे मिलना है, उसी की तरफ जाना है, उसके लिए ना नमाज मुश्किल है ना सबर मुश्किल है। उसके लिए दोनों चीजें आसान हो जाती हैं। शर्त यह है कि शौक हो तेरे अंदर रब से मुलाकात का, तुझे शौक हो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों जो रब से मिलने का शौक रखता है ना, अल्लाह भी उससे मिलना पसंद करता है, और जिसके दिल में शौक ही नहीं रब से मिलने का, तो जो अल्लाह की मुलाकात पे यकीन रखता है ना, वो फिर नमाज और सबर का आदि हो जाता है। तो इन तीन चार चीजों पर खूब तवज्जो करें, खूब तवज्जो करें। सबर और नमाज खास चीज है। हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं, अगर आजमाइशें ना होती तो सारे लोग ही आबद जाहिद होते। ये तो आजमाइश आती है, सबर करना पड़ता है तो फिर पता चलता है कि आबिद जाहिद कौन है। आजमाइश ना होती तो सारी आबिद जाहिद होते। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।